वालेकुम नाजिन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। नाजिन, आज मौजूद हैं जस्टिस ऑफ पीस सैयद उस्मानुल हसन साहब के ऑफिस में, और आज हमारे आने का जो मेन मकसद है, इनके पास बढ़ती हुई मंशियात, हमारे नौजवान नस्ल जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है मंशियात की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से, मंशियात फैलने की वजह से उनकी फैमिलीज़ पे क्या असर होता है, वो हम उस्मान भाई से जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 सालों से यहाँ बैठे हैं और माशाल्लाह बड़ी एक्टिविटी है, और मंशियात के हवाले से इन्होंने क्या काम किया है ये भी जानने की इनसे कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उस्मान भाई, एक छोटा सा मेरा सवाल आपके साथ, जाहिर सी बात है शोबे वकालत से आपसे वाबस्ता हैं, डेली बेसिस पे कोर्ट भी जाते हैं आप, तो आप ये देखते होंगे कि जो मंशियात के हवाले से और जराइम पेशा हवाले के वजह से जो लोग अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर बुलाते हैं, उनकी कंडीशन कैसी होती है? असलम भाई, बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ डेली बेसिस पे हम जो कोर्ट जाते हैं उसमें हम बेशतर औकात जो लॉकअप एरिया है जहाँ पर जेल पुलिस लेके आती है मुलजमान को, उसमें बिल्कुल सही अल्फाज हैं आपके कि 90% लोग जो हैं वो हीरोइन, चर्स और आइस के आदि लोग होते हैं, और वही लोग जो है ज़्यादातर मुआशरे में क्राइम बढ़ा रहे होते हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे बढ़ते हुए ये जो मंशियात का पेश खेमा है, ये इस चीज़ का वाहिद जवाल की परिजराई का ये पेश खेमा है जो जराइम हो रहे हैं इस मुआशरे में इस वक्त, जिसमें डकैती, चोरी, राहजनी शामिल है। अब इसमें सिस्टमिकली हो क्या रहा है कि हमारा ध्यान मुख्तलिफ जो कम्युनिटी के लोग हैं वो दूसरी तरफ आकर्षित करके और हीरोइन, चर्स और आइस की तरफ से हटा रहे हैं। अभी हमारे एक जो है साथी वकील ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन दायर की थी, जिसमें जो है वो ड्रग के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई, हमारा ज़िला कोरंगी के हवाले से भी हुई, तो मेरी आप बज़रिया मीडिया से भी यही इल्तिमास है तमाम वालदेन को और जो हमारे दोस्त अहबाब का हल्का सरकारी सीटों पर बरजमान है कि काइंडली हीरोइन, चर्स और आइस के ख़िलाफ़ वो भरपूर काम करें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ एसएसपी कोरंगी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का कि उन्होंने लांडी में जो अभी नए एसएचओ आए हैं गुलजार तुनियो, उन्होंने आके इतनी हम वक्त ये कार्रवाइयाँ स्पीड से की हैं कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने आज तक लांडी थाने की हदूद में कभी 2 किलो चर्स पकड़ते हुए किसी एसएचओ को नहीं देखा, किसी को 1.25 किलो चर्स पकड़ते हुए नहीं देखा, हेरोइन के ऊपर ताबड़तोड़।